Thank you.
हाँ महाराज, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि युवराज यशस्वी हो, दीर्घायु हो और आपका नाम इस जग में रोशन करे। युवराज की कीर्ति दूर दूर तक फैले, जय ईश्वर से प्रार्थना है। जो देश हमेशा ही उनको यश का ऋणी है, ऐसी हमारी कामना है महाराज। हम आप सबन के आभारी हैं। हमारी तो मातृ देवी से जय प्रार्थना है। देशभक्तों की ही वंश परंपरा का निर्वहन हम आप पुत्र करते हैं। वीर और वीरांगनाओं के इस परिवार में वो भी एक वीर बन। अब आप सभी जाइए, राजघाट के काम करेंगे। जाइए महाराज की जय हो। Thank you.
जीवन में करुणा और दया का सागर हिलोरे लिया करता था। वे अपने सामने कभी भी किसी को कमजोर या दुखी नहीं देख सकते थे। सबकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। माता पिता के ऐसे भक्त कि पूर्ण सागर के जल से पिता का ही अभिषेक कर दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे भगवान गणेश ने शिव पार्वती की परिक्रमा करके प्रथम पूज्य देव का आसन प्राप्त किया था। वह रघुनाथ शाह भी पीठ पर एक उपकृत आदमी को बिठाकर भैरव बाबा के दर्शन की सार्थक तक ज्यादा आगे। वह रघुनाथ शाह में जितनी करुणा दया और स्नेह भाव था उतनी ही बहादुरी भी थी। जान जोखिम में डालकर दूसरों के प्राण बचाने के उदाहरण तो ना जाने कितने होंगे। हाँ, मैं तो छोटी उम्र से ही घर मंदिर जाया करती हूँ। तैरने का उनको बड़ा शौक था। मंदिर पहुँचते तो संग्राम सागर के अतः जल में खुद को तैरने से रोक नहीं पाते थे और उनके साथ उनके सभी साथी खूब तैरा करते थे। एक दिन तैरते हुए उन्होंने देखा कि संग्राम सागर में एक व्यक्ति डूब रहा है। वे तत्काल उसके पास पहुंचे और उसकी प्राण रक्षा की। वे उस व्यक्ति की चोटी पकड़कर उसे किनारे तक लाए जिससे उसकी जान बच गई। अपनी दिलेरी से वीरता का परिचय देना तो उन्होंने छोटी उम्र में ही शुरू कर दिया था। जा रहे या जा रहे भारत माता की जय।
ऐसे लोगों के पास तो बहुत सारे हथियार है। सुनो को बाजार में जाना पड़े तो पीछे नहीं हटे। हमारे जगह से क्रांति युद्ध का
हाहाकार मचाने लगे। गढ़ा भंडार की बाहरी सीमाओं पर अपना कब्जा जमाए अंग्रेजों की बड़े दिन से नियत जबलपुर पर हमला करने की। एक दिन मौका देखकर एक बड़ी सेना ने जबलपुर पर हमला कर दिया और भोसले की सत्ता पर अपना आधिपत्य जमा लिया। आधिपत्य जमाने के बाद अंग्रेज आमोद प्रमोद में मशगूल हो गए। उन्हें भला इस नैतिकता का कहां आभास था कि जिस जमीन पे वे अपनी हुकूमत चला रहे हैं वो तो राजा शंकर शाह की। राजा शंकर शाह कब चुप बैठने वाले थे। उन्होंने तुरंत ब्रिगेडियर जनरल हार्डीमैन से मिलने की ठानी। सर, महाराजा शंकर साहब से मिलने आए हैं। महाराजा शंकर शाह, शंकर शाह कहां के राजा? राजा तो हम हैं। खैर, उसको अंदर बुलाओ। यस सर। फरमाइए मिस्टर शंकर शाह साहब, कैसे आना हुआ? कुछ पेश करूं? कोई ड्रिंक्स रिंक्स तो लेंगे यार। जी नहीं, हम शराब नहीं पे। हम हिंदुस्तानियों को हमारी देशभक्ति का इतना नशा होता है कि हमें किसी और नशे की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही हम हमारी भक्ति को छोड़कर कहीं और जाते हैं। जरूरत पड़ने पर अपने प्राण तक नछार कर देते हैं। वो सब तो हम देख ही रहे हैं। खैर, यहां आकर तकलीफ करने की वजह बताइए। पिछले दिन अंग्रेजी हुकूमत ने जबलपुर पर हमला करके भोसले की सत्ता कायम कर दी। अब वो जगह आपके नियंत्रण में, जिस पे हमारा अधिकार है। हम चाहते जबलपुर की सत्ता आप हमें सौंप। आपको सौंप दे। जबलपुर की सत्ता हम आपको सौंप दे। वाह, क्या खूब फरमाया राजा शंकर शाह। एक एक इंच जमीन, ये छोटे छोटे गांव, शहर, राज्य और एक दिन आपका पूरा देश, हम सब कुछ हत्या लेंगे। छल से, कपट से, ताकत से और भाई भाई में फूट डालने की अक्ल से जबलपुर की सत्ता आपको थाली में रखकर सौंपने के लिए नहीं हत्याई है मिस्टर शंकर शाह। आखिर आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? ही के रानी की गड़ा मंडला का इतिहास इस बात को प्रमाणित करता है कि वो जगह रानी दुर्गावती और उनके वंशजों की है जिन्होंने अपने प्राण तक नछावर कर दिए थे। हमारी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखना हमें याद है और ऐसा करना हम आपका कर्तव्य है और हम हमारे कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। समझे ब्रिगेडियर जनरल हार्डीमैन? जागती आंखों से सपने देखना बंद करो शंकर शाह, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ महंगी शराब है, विदेशी है। अरे भाई, कमाल की चीज है, इसे पिला पिला कर हमने आपके आधे हिंदुस्तान को कब्जे में कर लिया। कुछ लेंगे? हाँ, तुम गोरों की जान लेंगे। और रही बात शराब की, तो इस शराब को तुम ही पियो, हो सके तो इसी में डूबे रहो। मगर एक बात याद रखना, हम हिंदुस्तानी तुम गोरों को तुम्हारे घर का रास्ता दिखा ही देंगे। राजा और प्रजा का हक देने में आज जो तुमने बेईमानी का परिचय दिया उसका फल तो तुम्हें भुगतना होगा मिस्टर शंकर शाह। जबलपुर पर अंग्रेजों के कब्जे के एक साल पूरे होने पर क्रिसमस के दिन जश्न मनाए जाने की तैयारी है, जिसमें तमाम अंग्रेज अफसर, परिवार और सैनिक शामिल होंगे। जश्न में लोक नृत्य और लोकगीतों की तैयारी भी की गई।
पिताजी ये शहादत अब भुलाई नहीं जा सकती। महाराज महाराज अब हमारे की लड़ाई और भी मुश्किल हो गई है, लेकिन हम सब हार कैसे माने, और अगर हमने हार मान ली तो हमारी असफलता तो क्या हुई है। हार नहीं मानेंगे हम, हार कैसे मान सकते हैं, हमारे इतने सारे साथी मारे गए और हम हार मान लें कमाओ नहीं। अब चाहे लड़ाई अंजाम तक चाहे जैसे महाराज, अब हमें अपनी ताकत बढ़ानी पड़े, देश पर जान निछावर करने वालों को खत्म करने पड़े, फिर से शक्ति संचय करने पड़े। वो तो जा गनीमत रही कि अंग्रेजों को जा संग्राम के पीछे आपकी कोई भूमिका है, जाकि उन्हें कोई खबर नहीं पड़ी। महाराज हम सब की तरफ से विनती है कि बस एक बेर आप देश में घूम घूम कर समर्थन इकट्ठा करें और अपनी शक्ति को बढ़ाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इस समय यही करना समझदारी भी होगी। रघुनाथ और तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। हम सभी कल सुबह निकले, अंग्रेज तो समय सबको जय लगेगा कि हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे, बल्कि हम बीच में पड़ने वाले सभी राज्यों के राजाओं से मिले और उनसे बात करें, सैन्य बल की मांग कर रहे हैं ताकि हम और मजबूत बन सके। हाँ जो करना बिल्कुल ठीक हुई, आप जाओ परिवार संगे जाओ। हाँ महाराज आप जाओ मिलो बात करो सभी राजाओं से सैन्य बल की मांग करो, और जे घोरो है घर को रास्ता दिखावे के मध्य सभी राजाओं को एकजुट करो आप। जी महाराज हम सभी कुल देवी माँ माला देवी से ही प्रार्थना करी है कि हमारे महाराज को मनोरथ पूरा हो जाए। भारत माता की जय। जी महाराज जैसे आप क्या
कैसे आना हुआ आपका? हमने सुना है राजा साहब कि आप कई दिन बाहर घूम कर लौटे हैं, क्या हालचाल है? सभी जगह शांति तो है ना? शांति, नीरव शांति, तूफान से पहले की शांति। आपने बिल्कुल सही सुना, बहुत सी जगह जाना हुआ मन की शांति के। अब भारत देश की परंपरा और आध्यात्म के बारे में बताना तो हमारे लाने मुश्किल नहीं है, और इतना सुनने और समझने का भी धीरज शायद आपने ना। आप बस इतना जान लीजिए, हमारे देश की अस्मिता में ही आध्यात्म और परंपरा की चढ़े। और रही बात हालचाल, तो हालचाल सब ठीक और शांति के प्रश्न, तो आपके होते हुए चारों ओर शांति ही शांति है। भयावह शांति, भयावह शांति जी, तूफान से पहले की शांति। छोड़िए, आप नहीं समझ पाएंगे, आप बस इतना बताइए कैसे आना हुआ? आपके लिए एक खुशखबरी है राजा साहब, ब्रिटिश प्रशासन आपसे बहुत खुश है, इसलिए उन्होंने आपको 3 गांव की जागीर देने का निर्णय लिया है, ताकि आप अपना गुजर बसर आसानी से कर सके। वाह, मेहरबानी आपकी, बड़ी जगह लेकर छोटी जगह दे रहे हैं, इन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं। आपकी ये बात हमारे समझ में नहीं आई राय साहब। खैर, ये जमीन के कागज है, रख लीजिए, काम आएंगे। अब पहली बार हमारे घर पधारे, कछु लेंगे? जी नहीं। माय लाले, जे कोई खुशी की बात या उपलब्धि नहीं आ, मान आए अपमान, कुल देवी माई की खुशी। अगर इन अंग्रेजों को ना तो चने चपा न दे, तो हमारा नाम भी शंकर जान। अब से हम गुरुवार की हवेली में रहेंगे, और वहीं से शंखनाद होगा, आगे के संघर्ष का। प्रणाम महारानी विराज, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि रघुनाथ कहाँ है? युवराज आए गए होंगे। महारानी, चारों तरफ अशांति और संघर्षों में हमें पता ही नहीं चलता कब हमारे कुंवर युवराज बन गए। राजा साहब, भारत माँ के सुपूत हिम्मत और ऊर्जा से भरे होते हैं, संघर्षों में उनका तेज और बढ़ता है, और हमारे रघुनाथ बचपन से ही अपने जिद और जीवित के पक्के रहे हैं। हमने उनमें आप ही की तरह गरीबों और प्रजा के साथ साथ देश के प्रति भी गहरा समर्पण देखा है। सच बात तो ये है कि कुल देवी मैया ने रघुनाथ के रूप में हमें एक सुपुत्र ही दिया है। मगर इस सुपुत्र के विवाह के बारे में कुछ सोचा है आपने? बासी की जागीर से रिश्ता आया है उनके लिए, मान कुंवर नाम है लड़की का, कहिए क्या जवाब देते? जवाब हाँ में ही दीजिएगा, रघुनाथ हमारा कहा थोड़ी ना टालेंगे। वो तो हम भी जानते हैं, मगर उनसे तो पूछना ही होगा ना। प्रणाम पिताजी। प्रणाम माँ। बड़े दिनों से आप संग बैठ कर बात करने की इच्छा थी, सोई चले आए। कहिए, आप हमसे कुछ पूछना चाहते थे? लीजिए, अब आप ही बात कीजिए इनसे। रघुनाथ,
पास की जागीर से आपके लिए एक रिश्ता आया है। मानकुवर नाम है लड़की का। आपके पिताजी ने हमें बताया और कहा कि आपसे पूछ लिया जाए। माँ, पिताजी की याद दिया है और बाबा की याद दिया, और हमारी माँ की इच्छा कालिका भवानी माई की इच्छा हाँ है हमारी। रघुनाथ सदा हाँ कहने में और ना मानने में जमीन आसमान का अंतर होता है। अपने मन की बात खुलकर कहो हमसे। हम समझते हैं पिताजी। माँ इनसे कह दीजिए इन्हें जो भी हमारे बारे में सोचती है वो बिल्कुल सही है। अब इजाजत चाहते हैं। प्रणाम पिताजी। प्रणाम। आपके चेहरे पर एक प्रकार का जंग और बेचैनी नजर आ रहा है। इस समय हमारा देश जिस मुसीबत से गुजर रहा है वो समय बड़ा कठिन है। आप में जिस प्रकार का साहस और हौसला दिखाई देता है हमें इस बात पर गर्व होता है कि देवी माँ ने हमें आपकी जीवन संगिनी बनाया। मान कुंवर जी, बड़ा सुख मिला है आपकी बात को सुनकर। सच कहते हैं मन ही मन इस बात से बड़े परेशान रहा करते थे कि जिस घड़ी में हमारा विवाह आपसे हुआ उस घड़ी में चारों ओर आग लगी हुई है। इन बर्बर अंग्रेजों से हमारा खानदान ही नहीं समूचा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के सच्चे देशभक्त के लोग ले रहे हैं। आपको मालूम है ये जो हमारे पिताजी का संग्राम युद्ध है ना, इसमें हम उनके आज्ञा पालक ही नहीं है बल्कि अपनी सच्ची निष्ठा का निर्वाह कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं युवराज तो हर कुछ का कर्तव्य है। भारत माँ के लाल आप जैसे ही तो होते। पिताजी का जज्बा और उनका हौसला पर्वत शिखर की तरह जीवन से भरा है। मान की बहु होने पर हमें भी गर्व है। क्या कहें, आप स्वयं एक वीरांगना है ना। आपको मालूम है हमारी माँ भी साहस और वीरता का प्रतीक है। जितनी शिक्षा हमें हमारे पिताजी से सीखने को मिली इतनी शिक्षा हमें हमारी माँ से भी सीखने को मिली। और आपको मालूम होना चाहिए कि समूचे हिंदुस्तान में हर माँ अपने बच्चे को कुछ सिखाया हो ना सिखाया हो लेकिन तलवार से खेलना बखूबी सिखाया है। युवराज, आपकी माँ ही इस घर में हमारी माँ है।
उनकी हिम्मत ही हमारी हिम्मत। आप पिताजी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ हर युद्ध में कदम से कदम मिलाए, हमारी परवाह न कीजिए। वीर स्त्रियां अपने स्वामी का संबल होती, हमें भी अपनी वो पहचान साबित करने का मौका दीजिए। बहुत बड़ी बात कह दी आपने मान कुंवर, सच कहते हैं मन में बड़ी कसमकस सी बनी हुई, लेकिन अब हमारा सारा अवसाद जाता रहे। अभी तक केवल अपनी ही साहस और वीरता लेकर रणभूमि में जाने वाले थे, लेकिन अब आपकी भी साहस और वीरता लेकर जाएंगे और इन अंग्रेजों को ना तो चले जरूर चल पाएंगे। आइए हम आगे खेलने चलते हैं, चलिए। पर हमने जय बात के लाने आपको इकट्ठा नहीं करो, हम जानत है आप सभी की जिंदगी पारिवारिक जवाबदारियों और कर्तव्य पालन से जुड़ी है, मगर हमें जय नहीं भूलना चाहिए कि जय समय हमारे लाने सबसे कठिन है। एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत में ऐसे लोग जो हुकुम तो उनको बजाते हैं पर हम पे होने वाले अत्याचारण के बिल्कुल खिलाफ, और दूसरी ओर हमारे बीच भी ऐसे लोग जो रेत तो हमारे संगे अंग्रेजों से मिलने वाले चंद टुकड़ों के लाने हमसे गद्दारी कर रहे हैं। राजा साहब, ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो अपने हाथ से अपने देश इन फिरंगियों को तोप रहे हैं, और मैं तो कहता हूँ अब ये अपराधी भी माने जाएंगे। अब वो भी तलक से साहब को डाक के लाने। राजा साहब, ऐसे लोगों की जिंदगी ज्यादा समय नहीं रहे, चोर और डाकू हमेशा पकड़े जाते हैं, और जिस दिन ये पकड़े जाते हैं वो बिना उनके जिंदगी का आखिरी दिन होते हैं। भरोसे और विश्वास को छलने वाले उत्तरात्मा को दुश्मन भी है और जीने के काबिल नहीं है। महाराजा साहब, हम आप सभी के जज्बे की कदर कर सही मायने में आप जैसे लोगों से ही ज्यादा सुरक्षित आए, पर हमें भीतर और बाहर के इन शत्रुओं का मुकाबला करने के लाने खुद की शक्ति को बढ़ाने पर। हम चार सच्चे देशभक्त हमारे इस आंदोलन से जुड़े, ये संख्या और बढ़ी, हम सभी अपनी अपनी क्षमताओं में आत्मनिर्भर लड़ने के लिए हथियार हो लोग, तभी हम इसका मुकाबला कर पाए। सही कहते हैं राजा साहब, आप आज्ञा भर दीजिए कि हमें करना क्या है, आपकी हर एक आज्ञा का पालन होगा महाराज। हम चार आप सभी हमसे अपने राज्यों में युवाओं में देशभक्ति का जुनून पैदा कर आज जो आपकी संख्या है वो और बढ़े, ताकि हम और मजबूत बन सके। राजा साहब, हम सब पहले से ही तैयारी करें, आपने हमारा हौसला और बढ़ा रहे हो तो काम और तेजी से कर, आप फिक्र न करें, आपके विश्वास को हम अर्थ दी जाने अपनी जान लेके भी इनकी रक्षा करें। अच्छे अंग्रेजन को बता दें कि भारत भूमि अपनी मां पर कुर्बान होने वाले साहसी लोगों से भरी पड़ी है, जे बड़ा जनबल बड़े हथियार जे के पास में जी हमें डरा नहीं सकत, हम मुकाबला कराए जमकर कराए। महाराज की जय। महाराज आपसे मिलने के लिए उन्हें आदर पूर्वक भीतर ले, जल्दी जाओ। जी महाराज। सरदार जी, प्रणाम महाराज। प्रणाम। आप कर रहे राजा राजो महाराज। आप सभी लोगों को देख संगे देखकर हमारे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही संकल्पता है, और तो और आप लोगों को लियो और देश सेवा को संकल्प हमें और भी मजबूत हो नजर आ रहा है। एक इलाने पुण्य काम में हमारी ओर से जो तुच्छ सो योगदान बोरी के अंदर 10 तमंचे हैं, ये बड़े ही दुर्लभ है, और तो इनके बारे में अभी तक को नहीं जान।
लेकिन अभी तक उन कपटी अंग्रेजों से हमने इसे कैसे बचा के रखे थे, जवाब हमें जानते। अब अमीन आपको सौंप रहे हैं शंकर सर, इनको आप अपने पास रखकर मातृभूमि की सेवा में लगाएंगे। कटरा पाटन और बिजिया तैयार हुए, आप सभी गोंड सरदारों से हमें काफी उम्मीद है। हम चाहते हैं आप सभी अपने अपने राज्यों में पांच पांच ऐसे वरिष्ठ युवा तैयार करें जो हमारे मुश्किल से मुश्किल काम को अंजाम दिला सके। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे शंकर सर, आपके इस देश सेवा के संकल्प में हम और बाकी रियासतों के राजा आपके संगे हैं। जी महाराजा साहब, हम सब आपके संगे हैं। चलिए महाराज, भोजन ग्रहण कर लीजिए। आप सब कोई है मावे जावे वाले मासूम
और मंदिर को खूनने वाले और उनको हक लूटने वाले जमींदार और जागीरदार लूटकर लूट का पैसा वापस कैदियों में बांट दे। जो न्याय राजा की गद्दी से नहीं हो पास वो न्याय जंगल की गद्दी पर बैठ कर है डाकू बहराम सिंह। तुम्हारा रास्ता भले गलत है, तुम्हारा मन साफ है। जो हमने देख रहा हूं जुल्मी जागीरदार जमींदार इन सब की लूट के बारे में तो तुम्हें पता है, पर क्या तुम्हें अंग्रेजों की लूट के बारे में पता नहीं है जो हमारे पूरे देश को लूटत रहे, राजा हो या प्रजा सभी को गुलाम बना रहे। पता है जंगल में भली रहता है लेकिन खबर हमें पूरी है। महाराजा जी आप तो लड़ रहे हो ना इन दुष्ट अंग्रेजों से, तब मगर हम अकेले आए हमें और भी बहादुर का साथ चाहिए, जैसे कि तुम कब दाव हो हमारा साथ। क्या भाव डर गए? डर हाओ तय हम तुम्हारा। अरे कई सर दुष्ट अंग्रेज से धरती की मुक्ति की लड़ाई में हम तो साथ हैं, पर गरीब किसान और मजदूर की मुक्ति की लड़ाई में तुम्हें हमारा साथ देना। कहो अब है मंजूर? मंजूर ठीक रहे तब ठीक रहे। अब तक तुमने अपनी लड़ाई अपने तरीका से लड़ी, अब तुम बहराम डाकू को तरीका दिया। जय काल का भवानी, जय काल का भवानी। मांग रहा है ऊपर ले जाने को विचार है।
आया तो प्रजा को भाग गए, भगवानों ने जीता है विजय मना, जय अपनी मनोकामना है। बोले भैया महाराजा शंकर ताकत कम है, ऐसा हमें महसूस भी होता है।
मगर जिस धरती पे हम पांव रख के खड़े हैं, इस धरती से हमें हिंदुस्तानी होने की ताकत मिलती है। इस धरती ने हमें अपनी हथेलियों पे उठा रखा है। जीते जी हम इस धरती का मान नहीं जाने देंगे। कितनी बड़ी बात कही है राजा साहब। मातृभूमि भले ही कितने भी प्रदेशों में बटी, लेकिन हमारी अपनी मातृभूमि जो हमारा अपनो देश है। संघर्ष झांसी का भी भयानक है। सब एक दिन में जागरूक रहते हैं और रात में चौकन्ने हैं। जी महाराणी, जब ये अंग्रेज रात को मध्य में चूर होकर घोड़े बेचकर सोते हैं, तभी तभी हम अपने इरादों के घोड़े उनके सीने पे दौड़ाते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके संगे है महाराणी, और आपका आशीर्वाद भी हमें मिले, जो ही हमारी कामना है। आपको मंगल, आप विजय बन, स्वाभिमान की जिंदगी और वक्त पड़ने पर स्वाभिमान की शहादत भी हो, जो ही कामना है। हम देश भक्तन के लाने तो स्वाभिमान की शहादत पुनर्जन्म से कम नहीं, सबे शहादत के लाने तत्पर। हम आपका कहा बिल्कुल समझ गए महारानी। मैं आपको कुछ तोहफे देती हूँ जो आपको जफी तो करेंगे मगर आपकी हिम्मत भी बढ़ाएंगे। सामान भी था निभा हिमाकत।
क्या वो जानते नहीं कि चूहे कभी शेरों से नहीं लड़ सकते? सही बात है सरकार, अब उन्हें सबक मैं सिखाऊंगा। पर अगर ये बात गलत हुई तो तुम्हारी जान की खैर नहीं। अरे सरकार, जान तो दोनों तरफ से जाएगी, लेकिन मान लीजिए अगर खबर सच हुई तो फिर ठीक है हिंदुस्तानी, तुम भेष बदल कर राजा शंकर शाह के पास जाओ और पता करो कि सच्चाई क्या है। याद रहे पहचाने ना जाओ, नहीं तो जान से जाओगे। हम अंग्रेजों की जिंदगी कारोबार और पैसा होती है, तुम जैसों की तरह भावनाएं और संवेदनाएं नहीं, समझे? जाओ ऐश करो, हिंदुस्तान तुम जैसों को भी याद रखे। जयराम जी की सरकार, जयराम जी। महाराज की जय। महाराज, बूढ़ा फकीर आपसे मिलने के लिए सारे से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बूढ़ा फकीर? जी महाराज, जब मैंने वहां से जाने की कही तो कह लो कि खड़े खड़े मर जाए पर राजा से मिले बगैर नहीं। का फकीर अकेलों में मिलना चाहते हैं? जी महाराज। निभाला उसे, जाओ। जी महाराज। प्रणाम महाराज, मैं फकीर के भेष में देशभक्त, असल में दिल्ली के सेनापति बख्त खां का सेवक, और आपसे यह जानना चाहता हूं कि अंग्रेजों को धूल चटाने के लिए आप जो तैयारियां कर रहे हैं वो ठीक से हो तो रही है ना? सेनापति ने कहा है कि अगर आप किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत हो तो आप हमें बताइए, हर संभव आपकी मदद करने को तैयार है। हमारी तैयारी अच्छी आई, हमने हमारे लौटे बेटे रघुनाथ के मध्य एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, वो सैकड़ों देशभक्तन के साथ हमारे एक इशारे का इंतजार कर रहा है। अंग्रेजी ताकत को तहस नहस कर दे चलाने, और सेनापति भक्त कहां से जाकर कहें कि वे परेशान ना। बहुत अच्छे महाराज, आपकी सारी योजना जाकर सेनापति को बता दूंगा। हाँ, आप अपनी योजना गुप्ती रखिएगा, सुना है दीवारों के भी कान होते हैं। आप चिंता ना करें, बस दुआ करें। दुआ तो हम करेंगे ही, दुआ करेगा हमारे ईमान की दौलत बख्शेगा। दुआ करेगा मालिक ईमान की दौलत बख्शेगा, अब ये तो वक्त ही बताएगा। सरकार को शंकर शाह की तैयारी बहुत जोर से चल रही है, घाटी
को तुम चाहे आपके जवाब है और देश के खून बहाने को तैयार है। कुछ कीजिए सरकार, कुछ कीजिए। खून तो हम बहा देंगे, कोई कमांडर को बुलाओ। कमांडर सर, सुबह होने से पहले जब तक गहरी नींद में होते हैं तुम अपने आसियों और घुड़सवारों को लेकर घाटी पर जाओ और वहां पर एक एक आदमी को बोल डालो। और याद रहे कमांडर, एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए। Understood? Yes, sir. आगे का पालन होगा, अभी तैयारी करता हूं। कमांडर ये काम आज रात को ही हो जाना चाहिए। I want results by tomorrow. You got it? Yes, sir. हमें लगा कह रघुना अब निर्णायक लड़ाई को वक्त आ गया। हमारी लड़ाई अंग्रेजों से सीधी सीधी हो तो भी इतनी कूट नीची खाती कि चाहे अंग्रेज का भी जान भी न पाए कि हम की तरह उनकी जड़न काटने का काम कर रहे हैं। हमारे भरोसेमंद साथियों ने जान दे दी, सुराग ना था, पर अब हमें पक्को यकीन होगा टक्कर आमने सामने किया है। हाँ पिताजी, आप पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठा। आपका बेटा आपके साथ है और हम सब के साथ हैं मातृभूमि के सच्चे सेवक। अब हमें हिंदुस्तान की मिट्टी और उसकी ताकत दिखा देनी। विजय रावगढ़ से राजा से हमारी मुलाकात हुई। हम लोगों ने तय कर लो कि अंग्रेजों के ठिकानों पर हमला करके उनकी शक्ति को तहस नहस कर दूंगी। तुम घाटी की सेना का ध्यान रखो, हम रखो ना, और ध्यान रहे कोई भी भूखा ना सोने का। हम लोगों के पास धन नहीं है। अगर तुम्हारी मां ने अपने जोड़ों के मुकुट भेजकर हमें धन प्रदान किया जिससे हमें बहुत हौसला मिला है। पिताजी, हमारी मां भी वीरता का परिचय देने वाले कुटुंब की बेटियां हैं। वो भला ही मुसीबत की घड़ी में कैसे पीछे हट सकते हैं। आपसे माँ से ही हमने वीरता की शिक्षा ली। हर मुसीबत की घड़ी में आपको सीना चौड़ा करके लड़ते हुए देखना। आपको मालूम है पिताजी, आपकी बहू मान कुमार आया वो भी बड़ी वीर आए, बड़ी साफ। हम जब आ रहे थे तो उनने हमसे कह दे कि आप जाओ पिताजी का साथ दो और ये मुसीबत की घड़ी मां उनका साथ नहीं छोड़ना। हम जानत अभी घाटी के सैनिकों को बंदूक और तमंचे और दिए जाने जिनसे उसकी लड़ाई कमजोर ना पड़े। ध्यान रहे रघुनाथ, बस थोड़ी सी हिफाजत की और जरूरत है। बाद में तो हमारा काम हो ही जाए। हम अभी जाके अपना काम संभालते हैं पिताजी। आप और हमारा संपर्क तू तो द्वारा बना रहे। अब आप यहां से जा सकते महाराज। अब आपका खेल खत्म। रुक, अरे पीछे तो देखिए महाराज। ए चरण को बलिदान हो गए अपनी मातृभूमि पर। उनकी एक वीर गाथा याद रह जाने वाली। पिता पुत्र से जब उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई। आइए राजा साहब, आप भी हमारे यहाँ पहली बार पधार रहे हैं। जी, हम हमारे देश को समर्पित एक कवि पढ़ना चाहते। इजाजत है। मूंद मुख डंडिन को चुगलों को चबाई खाई, खूंद तोड़ दुस्तन को शत्रु संहारिका, मार अंग्रेज रेज दे मात कालिका, बजे नाही
को भारत समर माही चंड के सबर ले झुंड झुंड पैर कर रुंड मुंड छाई छाई सोनित की धारण द खप्पर तू भर ले कहे रघुनामा बिरंजन को काट काट किलक किलक मां कले खूब कर ले करते बांधो इन्हें तोप से सब Ha 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 ha